नमस्कार दोस्तों, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप पढ़ेंगे यूनिट 7 के जो हमारा जो सीरीज चल रही है उसी के तहत आज हम ये पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों आज हम पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्तित्वों के बारे में चर्चा करेंगे कि पर्यावरण में क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा, एक वन्यजीव गोदलो योजना का प्रारंभ कब हुआ? एक वन्यजीव गोदलो योजना का प्रारंभ हुआ 2008 में। दोस्तों आज शाम को दोस्तों विनर्स एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर महापोल का आयोजन किया जाना है, जिसमें 100 क्वेश्चंस कराए जाने हैं। आप सभी लोग 100 क्वेश्चंस को करिए और अपनी अपनी तैयारी का स्तर जानिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। एक वन्यजीव गोदलो योजना 2008 में प्रारंभ हुई है, उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर में हुई, उड़ीसा के नंदन कानन चिड़ियाघर में। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का प्रारंभ कब से हुआ और कहां से हुआ? तो पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन का प्रारंभ यह हुआ दोस्तों महाराष्ट्र से। एम एस स्वामीनाथन कौन हैं? और एम एस स्वामीनाथन जो हैं यह पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। एम एस स्वामीनाथन ने दोस्तों वर्तमान में जो कृषि बिल चल रहा है उस पर भी अपनी राय सौंपी थी, तो वर्तमान कृषि बिल से इनकी सिफारिशें मानने के लिए कहा गया है। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक भी हैं। तो दोस्तों चेन्नई में इनके नाम से एम एस स्वामीनाथन अनुसंधान स्थापित किया गया है। सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने टिहरी बांध के खिलाफ भी आंदोलन चलाया है, टिहरी बांध के खिलाफ भी इन्होंने आंदोलन चलाया है। नेक्स्ट है एम एस मेहता कौन है? एम एस मेहता दोस्तों ये सभी आपको इस प्रकार से याद रखना है कि आपको ऑप्शन में इस प्रकार से मिलेगा कि एम एस मेहता मान लीजिए कि पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, या फिर जल संसाधन से, या फिर पत्रकार हैं, या वैज्ञानिक हैं। तो इसका आंसर रहेगा पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने कई सारी याचिकाएँ भी दायर की हैं। ताजमहल संरक्षण, गंगा सफाई के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया है। बंगारी मथाई कौन है? बंगारी मथाई दोस्तों इन्होंने ग्रीन मूवमेंट का नेतृत्व किया और 2004 में इन्हें नोबल पुरस्कार मिला। ग्रीन मूवमेंट का इन्होंने नेतृत्व किया है। नेक्स्ट है डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली को किस नाम से जाना जाता है? कौन है डॉक्टर सलीम अली? डॉक्टर सलीम अली दोस्तों बर्ड मैन ऑफ इंडिया है, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह पक्षी विज्ञानी है। अब आती है नेक्स्ट व्यक्तित्व पर चर्चा, जिनका नाम है डॉक्टर रामदेव मिश्र। डॉक्टर रामदेव मिश्र भारत में पारिस्थितिकी का जनक भी कहा जाता है, इन्हें भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1956 में इंटरनेशनल फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी। तो ऐसा आ सकता है प्रश्न में कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, यह कहा जाता है डॉक्टर रामदेव मिश्रा को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, माधव गाडगिल कौन है? माधव गाडगिल पर्यावरण शास्त्री हैं। ये लाइफ एस्केप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के संपादक भी हैं। माधव गाडगिल, एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं इतने व्यक्तित्वों का ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक वन्यजीव गोदलो योजना का प्रारंभ हुआ 2008 में उड़ीसा से। पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। चेन्नई में एम एस स्वामीनाथन अनुसंधान संस्थान भी स्थापित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित हैं। इन्होंने टिहरी बांध के खिलाफ आंदोलन चलाया। एम एस मेहता पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने याचिकाएँ दायर की थी। बंगारी मथाई ग्रीन मूवमेंट चलाया, 2004 में नोबल प्राइज मिला। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञानी हैं। डॉक्टर रामदेव मिश्रा भारत के पारिस्थितिकी के जनक भी कहे जाते हैं। माधव गाडगिल पर्यावरण शास्त्री हैं। लाइफ स्केप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के संपादक हैं। नेक्स्ट है अमृता देवी विश्नोई कौन है? 1730 में राजस्थान के मारवाड़ रियासत में 1730 में राजस्थान के मारवाड़ रियासत में खेजरी वृक्ष के संरक्षण हेतु इन्होंने आंदोलन चलाया। अमृता देवी विश्नोई ने क्या किया? 1730 में राजस्थान के मारवाड़ रियासत में खेजरी वृक्ष के संरक्षण हेतु इन्होंने आंदोलन चलाया।
नेक्स्ट है प्रमुख सम्मेलन एवं उनमें हुए प्रमुख पर्यावरणीय कार्यक्रम, कौन कौन से प्रमुख पर्यावरणीय कार्यक्रम इम्पोर्टेंट हैं और एग्जाम में इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इनकी। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको विनर्स एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, तो उस लिंक को भी आप देख लीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं स्टॉकहोम समिट। स्टॉकहोम समिट कब हुई दोस्तों? यह हुई 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम समिट हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। इस स्टॉकहोम समिट में क्या किया गया? 5 जून को पर्यावरणीय दिवस कार्यक्रम मनाया गया। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ये 1987 में प्रारंभ हुई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संबंध है ओजोन परत के क्षरण को रोकने से। ओजोन परत के क्षरण को रोकने से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है लंदन समिट 1990। लंदन समिट 1990 में विकसित देशों द्वारा वर्ष 2010 तक CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर पूर्ण रोक लगाने के लिए लंदन समिट 1990 हुआ था। तो यह आ सकता है लंदन समिट 1990 में किस विषय पर ध्यान आकर्षित किया गया? तो इसमें किस बात पर? CFC के उत्पादन पर पूर्ण रोक लगाने से। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों 1997 में हुआ यह प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में औसतन 50% कमी लाई जाए, इस बात की इसमें जो है वो घोषणा की गई कि ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में। तो अगर आता है क्योटो प्रोटोकॉल में किससे संबंधित है? ओजोन से, ग्रीन हाउस गैस से, पर्यावरण संरक्षण से। तो इसका आंसर आएगा ग्रीन हाउस के उत्सर्जन पर रोक से, क्योटो प्रोटोकॉल का। और मॉन्ट्रियल का संबंध है ओजोन से, मॉन्ट्रियल संबंध है ओजोन से, और क्योटो संबंधित है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन में कमी से। स्टॉकहोम समिट, स्टॉकहोम समिट देखिए एक हुई थी 1972 में, जिसमें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। उसके बाद दोस्तों स्टॉकहोम समिट 2004 में, इसमें 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक लगाने का समझौता हुआ। स्टॉकहोम समिट में 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों पर रोक लगाने का समझौता हुआ। नेक्स्ट है बाली सम्मेलन। बाली सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? बाली सम्मेलन हुआ 2007 में। इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करना। बाली सम्मेलन का उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करना। फिर है फ्रेंड्स कोपेनहेगन समिट। कोपेनहेगन समिट 2009, यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। देखिए बाली सम्मेलन 2007 में क्या विषय वस्तु थी? ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव को कम करना। कोपेनहेगन समिट 2009 जलवायु परिवर्तन से संबंधित थी। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आता ही है, इसकी शुरुआत कब से हुई और ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। इसमें पृथ्वी तथा उसके पर्यावरण की सुरक्षा तथा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए यह शिखर सम्मेलन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। पृथ्वी तथा उसके पर्यावरण की सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना। नेक्स्ट है NGT की स्थापना। NGT की स्थापना कब हुई? NGT की स्थापना दोस्तों 2010 में हुई और नई दिल्ली में हुई। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में नई दिल्ली में हुई। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण एक्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट है और यह पारित हुआ 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब प्रारंभ हुआ? वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 में प्रारंभ हुआ, 1972 में। पर्यावरण संरक्षण एक्ट हुआ 1986 में और वन्य जीव संरक्षण एक्ट इंदिरा गांधी के समय 1972 में पारित किया गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओजोन क्षरण का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? ओजोन क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया जोसेफ फोरमैन ने ओजोन संरक्षण का सर्वप्रथम पता लगाया। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? भोपाल गैस त्रासदी दोस्तों 1984 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की शुरुआत में यह हुआ और यह 1984 में। तो ये आपको सन याद रखना है और डेट याद रखना है। नेक्स्ट है चेर्नोबिल दुर्घटना।
चेन नोबेल दुर्घटना में सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि यह दुर्घटना किस प्रकार की, इस दुर्घटना का प्रकार क्या है। तो दोस्तों यह एक परमाणु दुर्घटना है और 26 अप्रैल 1986 को यह प्रारंभ हुई यूक्रेन के चेर्नोबिल में। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस किस किस दिन को मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 5 जून को स्टॉकहोम समिट 1972 से यह जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में स्थित है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की फ्री PDF निशुल्क टेलीग्राम चैनल पर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर और हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और अधिक से अधिक लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्राप्त नहीं होती है तो टेलीग्राम चैनल का नाम बिनर्स एजुकेशन पॉइंट ही है, तो उसको आप दोस्तों सर्च कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, और आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम अधिक से अधिक कंटेंट आप लोगों के लिए निःशुल्क डिलीवर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।